नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे हम आज आपके लिए लेके आए हैं लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है स्टेटमेंट एजम्पन जैसे अपन बोलते हैं कथन एवं पूर्व धारणाएं ठीक है ठीके? ये आर एस प्री के लिए रीजनिंग है 2024 के लिए और लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर जो है हमने स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए और आज हम चर्चा करेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पन कथन एवं पूर्व धारणा पे यहाँ पर अगर बात करें हम कितने नाम इसके हिंदी में होते हैं हिंदी में इसके बहुत सारे नाम होते हैं तो उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं आइए हिंदी में इसको बोलता है कथन एवं पूर्व धारणाएं ठीक है ये नाम आएगा कथन एवं पूर्व धारणाएं कथन एवं मान्यताएं कथन अनुमान कथन परिकल्पना कथन धारणाएं कथन एवं पूर्वानुमान इतने सारे नाम होते हैं तो आज इसी पे चर्चा हम करने वाले हैं तो स्टेटमेंट एजम्सन कथन एवं पूर्व धारणाएं इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले पूर्व धारणाएं क्या होती हैं? किसी के कहने से पहले क्या क्या बातें मन में रही होंगी वो सारी की सारी पूर्व धारणाएं है कहलाती हैं। कथन में क्या आता है स्टेटमेंट में कथन में किसी के द्वारा कही हुई बातें या सत्य कथन ये लिखे हुए आते हैं एग्जाम में कहने से पहले क्या क्या बातें मन में है वो सारी की सारी पूर्व धारणाएं है कहलाती हैं अजम्पन जो है आर एस प्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का 2013 से रीजनिंग और मैथ जुड़े थे 13 से लेके 23 तक जितने भी प्री हुए हैं अजम्पन कभी नहीं रुका हमेशा अजम्पन पूछा गया है ठीक है तो कथन में किसी के द्वारा कई हुई बातें या सत्य कथन लिखे हुए आते हैं सत्य कथन जैसे आपने देखा होगा रेलगाड़ी में लिखा रहता है आपातकालीन स्थिति के लिए जंजीर खींचें अनुचित प्रयोग किए जाने पर पांच रुपए का जुर्माना या तीन महीने की कैद अथवा दोनों लिखने से पहले क्या क्या बातें मन में रही होंगी वो सारी की सारी पूर्व धारणाएं कहलाती हैं आप बताइए ये मैंने जो बात लिखी रेलगाड़ी वाली जो बात आपको कही इसके लिए जो जंजीर बनी है तो जंजीर क्यों बनी है आप बताइए अरे खींचने के लिए नहीं बनी आपातकालीन स्थिति के लिए जंजीर बनी है अगर ट्रेन में चोरी हो रही है डकैती हो रही है बैग गिर गया है बच्चा गिर गया है तो इसके लिए ट्रेन की चैन है आप खींच दीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि गांव एंटर होते ही चैन खींच देते हैं और खेत के सामने जाके डब्बा रुकता है वो गलत है जुर्माना या सजा किसी के द्वारा कही हुई बातें जैसे मैं कह दूं बच्चों आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है क्यों बढ़िया चल रही है कि आप सारे वीडियो मेरे देख रहे हैं साथ के साथ में इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आप रेगुलर अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो किसी के द्वारा कई हुई बातें सत्य कथन कथन में लिखे हुए आते हैं कहने से पहले क्या क्या बातें मन में रही होंगी वो कहलाती है पूर्व धारणाएं अजम्पन में कुछ बातें हैं जिनका आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा पहला कथन का अगर नेगेटिव पूर्व धारणाओं में आ जाता है तो वो पूर्व धारणा हमेशा गलत मानी जाएगी चाहे नॉर्मल जीवन में वो बात सही क्यों ना हो हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कथन का नेगेटिव अगर पूर्व धारणाओं में आता है तो वो गलत माना जाएगा अगर कोई किसी भी तरह की आपसे प्रार्थना करे विनती करे इच्छा जाहिर करे या फिर याचिका और विज्ञापन ये हमेशा विज्ञापन देने वाले जितने भी हैं इच्छा याचिका प्रार्थना ये सभी हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स चाहते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और कथन से रिलेटेड होनी चाहिए पूर्व धारणा जो कथन से रिलेटेड नहीं है वो गलत मानी जाएगी और सभी पूर्व धारणा देश और सरकार के हित में होनी चाहिए आइए एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्पल आर एस पी के वो सॉल्व करेंगे उसके अलावा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है जुड़ जाइए मेरे साथ में अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए शेयर करिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आपने उनमें ठीक है और रीजनिंग रिसीसर नाम से हमारी एप्लीकेशन है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि सारे कोर्सेज मेरे ऋषि रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन पे ही आपको नॉमिनल चार्ज में जो है प्रोवाइड होंगे और दिवाली का ये अभी दिन चल रहे हैं तो इसलिए हमने इस पर फिफ्टीन ऑफ भी सभी कोर्सेज पर हमने लगाया हुआ है और वन ईयर की वैलिडिटी है सारे वीडियो की और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है यह आरएस प्री में आया था बच्चों 2018 में 2018 का पेपर था आरएस प्री का था क्या पूछा था यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है यद्यपि आश्चर्य के लिए आता है कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है तो इसकी सोच क्या है कि मोटे व्यक्ति तेज नहीं दौड़ सकते पर यह स्पेशल है मोटा होने के बावजूद भी तेज दौड़ रहा है ठीक है अब इससे पूर्ण धारणा क्या क्या लगेंगी आइए मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं क्या मांसपेशियों के बारे में कोई भी जानकारी दे रखी है क्या क्या आप जानते हो कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर ही होती हैं ये मालूम है क्या आपको नहीं इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है वो पूर्व धारणा कभी भी सही नहीं होती है उसे क्या मानना पड़ेगा आपको गलत मानना पड़ेगा तो पहली पूर्व धारणा क्या है बच्चों गलत है मोटे व्यक्ति सामान्यतः ते तेज दौड़ नहीं सकते ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि लिखा है यद भी वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है तो इसकी पूर्व धारणा यही है कि मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते पर यह ये, ये स्पेशल है मोटा होने के बावजूद भी तेज दौड़ रहा है तो सेकंड पूर्व धारणा जो है वो सही है ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये एटीन का प्री था अगला 2016 का जो प्री है वो पूछा गया था इस पे भी एक बार चर्चा करेंगे आइए क्या लिखा है आपसे कह रहा है कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ नहीं है हाँ जी पहुंच से बाहर कुछ नहीं है यानी जो कठिन परिश्रम करते हैं सारी चीजें उनके पहुंच में ही है यानी वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं पहुंच के बाहर कुछ भी नहीं है इसका मतलब सब कुछ है कठिन परिश्रमी व्यक्ति जो है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्लियर है पहला अब इससे परिकल्पना क्या है क्या है एक कठिन व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है तो पूर्व पूर्वधारणा कथन को देखकर 100 परसेंट सही है क्योंकि कह रहा है पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है इसका मतलब सब कुछ पहुंच में नहीं है तो कठिन परिश्रमी व्यक्ति जो है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं पहली पूर्व धारणा सही है जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जो कठिन परिश्रम नहीं करते उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है मुझे जो कथन में जानकारी है कठिन परिश्रमी व्यक्तियों के बारे में जानकारी है और जिसके बारे में कठिन परिश्रम जो नहीं करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं क्या प्राप्त नहीं करते हैं या क्या प्राप्त कर सकते हैं या क्या प्राप्त नहीं कर सकते मेरे पास कोई भी उसकी जानकारी नहीं है और जिसकी जानकारी नहीं होती है पूर्व धारणा में उसके बारे में वो पूर्व धारणा कभी सही नहीं होगी बच्चों वो क्या मानी जाएगी गलत फिलहाल फर्स्ट वाली जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल सही है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ये आर एस प्री का सोलह वाला पेपर था यदि वह बुद्धिमान है हाँ जी शर्त लगा दी है यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा हां जी बुद्धिमान है तो करेगा इसका मतलब बुद्धिमान नहीं है तो नेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा क्लियर है तो बुद्धिमान है तो वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा आइए पहली पूर्व धारणा क्या है नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए बिल्कुल पहली पूर्व धारणा जो है वो हंड्रेड परसेंट सही है बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि बुद्धिमान है तो ही वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा सेकंड में क्या लिखा है सेकंड में लिखा है वह नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा अरे जानते हो क्या इसको उत्तीर्ण होगा कि उत्तीर्ण नहीं होगा मैं जानता हूं कि जो बुद्धिमान है वही नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होगा और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि ये बुद्धिमान है कि नहीं है और जिसके बारे में पता नहीं है पूर्व धारणा कभी भी सही नहीं होगी क्या मानी जाएगी बच्चों गलत ओनली फर्स्ट वाला जो है वो सही है ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर है एक बार पढ़ लीजिए आप सभी फिर अपन सॉल्व करते हैं ठीक है और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर आ रहा है उस पर टिक करिए भी आया हुआ एग्जाम्पल है मैंने आपको बताया था जब एक, एक बात याद रखना है कि कथन में जिस व्यक्ति की बात हो संस्था की बात हो या कंपनी की बात हो कथन में कोई भी व्यक्ति संस्था या कंपनी की बात हो तो पूर्व धारणा भी उसी व्यक्ति के लिए लागू होगी उसी संस्था के लिए लागू होगी उसी कंपनी के लिए लागू होगी ये बात भी याद रखना है दूसरी बात मैंने कहा था विज्ञापन देने वाले हमेशा रेस्पॉन्स कैसा चाहते हैं पॉजिटिव चाहते हैं अच्छा इसके लिए भी अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ मान लीजिए आप दो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा क्लास में दो लोग हैं आप ठीक है मान लीजिए आप दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा दोनों देना जानता है और एक व्यक्ति आप में से ऐसा है जो केवल ऑफलाइन परीक्षा देना जानता है नॉलेज के मामले में ये पढ़ाई की नॉलेज की, की बात नहीं हो रही है परीक्षा की नॉलेज की बात हो रही है नॉलेज के मामले में ज्यादा बेहतर कौन सा है कि सर ज्यादा बेहतर वही है जिसको दोनों परीक्षाएं देना आता है ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी क्योंकि एक उसको कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा है यही प्रश्न है फोर्थ नंबर का क्या लिखा है कि भारत में अधिकांश संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है हाँ जी अधिकांश संस्थाओं ने अब ये प्री का पेपर था और ये था सन 2015 का इसको हम सॉल्व करते हैं आइए क्या लिखा है कि हो सकता है भारत में सभी परीक्षार्थी कंप्यूटर में दक्ष हो।, हो सकता है ऐसा कह रहा है देखो हो सकता है या ज्यादा संभावना ये अगर पूर्व धारणाओं में आ जाती हैं तो वो पूर्व धारणाएं सामान्यतः सही मानी जाती हैं सामान्यतः सही क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगर हो सकता है कथन के नेगेटिव के साथ आए तो वो गलत माना जाएगा या कथन से रिलेटेड ही नहीं है तब हो सकता है आ रहा है तो गलत माना जाएगा मतलब मैं कह रहा हूं बच्चों याद रखना मेरी बात दो कंडीशन में हो सकता है गलत होता है अगर कथन के नेगेटिव के साथ हो सकता है आ रहा है या कथन से रिलेटेड नहीं है तो आ रहा है तब हो सकता है गलत होता है नहीं तो हर कंडीशन में हो सकता है धारणा में सही होता है और यह कथन से नेगेटिव uh, भी नहीं है साथ की साथ कथन से रिलेटेड भी है तो यह हो सकता वाली बात क्या है हंड्रेड परसेंट सही है पहली पूर्व धारणा जो है वो सही है सेकेंड वाले पे आते हैं परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अधिक योग्य लोगों के चयन में मदद करती है अधिक योग्य मतलब पढ़ाई की नॉलेज से नहीं है परीक्षा देने की नॉलेज से कि नॉलेज कितनी है परीक्षा देने के बारे में उस बारे में या कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है उस व्यक्ति को तो ये वाली पूर्व धारणा भी 100 परसेंट सही है फिलहाल मैं कह सकता हूं दोनों पूर्व धारणा सही हैं ऑप्शन की अगर बात करें तो ए ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा फिफ्टीन का जो प्री था ये एग्जाम्पल पूछा गया था अब बढ़ते हैं हम आगे ये 2013 में पूछा गया था 2013 का जो प्री था उसमें पूछा गया था सबसे पहला पेपर यही था जब से मैथ रीडिंग जुड़ी है आइए क्या पूछा था इस पे चर्चा करते हैं 18 वर्ष के ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार हां जी सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए एक तो चाहिए देखो मेरी बात सुनो एक तो मैं आपसे बोल दूं बच्चों आज क्लास खत्म होते ही आज क्लास खत्म होते ही आपको पढ़ाई करनी है ये बात मैंने बोली आपसे और एक मैं ये बात बोलूं कि आपको आज क्लास खत्म करते ही पढ़ाई करनी चाहिए तो दोनों बातों में क्या अंतर है पहला था ऑर्डर पढ़ना ही है क्लास आपने ऑनलाइन क्लास ले ली मेरी उसके बाद घर पे पढ़ना ही है और दूसरा पढ़ना चाहिए मतलब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है आपकी मर्जी है तो आप पढ़ेंगे और आपका मन नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे क्लियर तो एक चाहिए और एक जरूरी एक ऑर्डर है एक रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट मतलब एक तरह से राय है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो यहां पर भी ऐसा ही लिखा है कि 18 वर्ष के उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए यह एक राय व्यक्त की है किसी ने कि 18 वर्ष के सभी बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना चाहिए अब वो डिपेंड करता है सरकार पर कि सरकार भत्ता देगी नहीं देगी क्या देगी कब देगी किसको देगी वो सरकार जानती है और दूसरी बात सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता अरे जो सक्षम है जिनके फैमिली बैकग्राउंड की सैलरी बहुत अच्छी है जिनको भत्ते की जरूरत नहीं है हां गरीब लोग हैं बीपीएल है, लोग हैं जो सक्षम नहीं है उनको भत्ता दिया जाना चाहिए क्या सभी को भत्ता दिया जाना चाहिए और सरकार किन को भत्ता देगी किन को नहीं देगी वो सरकार पे डिपेंड करता है फिलहाल यहां जो कथन है कथन की स्थिति क्लियर नहीं है आइए पूर्व धारणा क्या कह रहा था देखते हैं भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है बेटा जरूरत उसी को है जिसको कमी है तो बेरोजगार है तो जरूरत तो है तो भारत आर्थिक मदद की जरूरत है क्यों है जरूरत क्योंकि बेरोजगार हैं तो पहली पूर्व धारणा जो है वो सही है सेकंड सरकार के पास सभी बेरोजगार हाँ जी सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है क्या धन की कोई जानकारी है क्या ऊपर तो एक राय थी एक राय व्यक्त की थी सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाना चाहिए अब सरकार पे कितना धन है कितना नहीं है या सरकार किनको बता देगी इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और जिसकी जानकारी नहीं होती है वो पूर्व धारणा कभी भी सही नहीं करनी है वो आपको क्या करनी है बच्चों गलत करनी है तो ये वाला जो है सेकेंड वाला जो है वो गलत है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी तक तनावपूर्ण और नियंत्रण से बाहर है मतलब कहीं के बारे में ये बात कह रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण और नियंत्रण से बाहर है मतलब एक बात समझ में आ रही है कि बाहर कुछ भयंकर नाटक चल रहे हैं। आपने ऐसी स्थिति देखी होगी जब लोग केवल अपने घरों में होने की प्रार्थना कर रहे थे वो स्थिति थी कोरोना याद करो पर यहां जरूरी नहीं है कोरोना की बात हो हो सकता है वहां दंगा फैल रहा हो, हो सकता है वहां जगह जगह हिंसा हो रही हो मुझे स्थिति के बारे में पता नहीं है पर हां नियंत्रण से बाहर है स्थिति ये पता है अब इससे पूर्व धारणा क्या लगेगी पहला कुछ गंभीर घटनाएं घटी है, हैं यस हंड्रेड परसेंट सही है जब ही गंभीर घटनाएं घटी है, हैं, तो स्थिति नियंत्रण के बाहर है लोग ऑफिस नहीं जाएंगे दफ्तर नहीं जाएंगे यस ये भी बात सही है कोरोना वाली बात को अगर लाओगे सिर्फ कोरोना को तो आपको लगेगा सर उस टाइम तो दफ्तर जा रहे थे लोग तो बच्चों यहां कोरोना की बात नहीं है कोई भी स्थिति हो सकती है कैसी भी स्थिति हो सकती है जब नियंत्रण से बाहर स्थिति हो जाती है तो लोग अपने घरों में होने की ही प्रार्थना करते हैं और वो ऑफिस भी नहीं जाएंगे तीसरा जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी भाई कथन में स्थिति क्लियर है क्या सुधरेगी नहीं सुधरेगी कब तक सुधरेगी आपको कोई जानकारी है क्या कथन में अब तुम्हारे मन में आ रही होगी कि सर स्थिति तो एक ना एक दिन सुधरनी है अरे बोलो आ रही कि नहीं आ रही ये सब फालतू की बातें कुछ नहीं आना चाहिए स्थिति क्लियर नहीं है मुझे नहीं पता है सुधरेगी या नहीं सुधरेगी इसलिए तीसरा पॉइंट क्लियर नहीं है ओनली फर्स्ट सेकेंड क्लियर है बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा बढ़ते हैं बच्चों आगे अगला एग्जाम्पल क्या है कि नागरिक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि शहर में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए शहर की सीमा के अंदर स्थित सभी कारखानों को बाहर स्थानांतरित किया जाएगा मतलब जितने भी कारखाने शहर के अंदर हैं उनको बाहर भेज दीजिए बाहर ट्रांसफर कर दीजिए रीजन क्या है प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है और इस कारण से ये फैसला लिया गया है ठीक है पूर्व धारणा क्या होगी कि इन कारखानों को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के बाद भविष्य में शहर का प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है मैंने कहा था हो सकता है अगर कथन के नेगेटिव के साथ है तो गलत है कथन से रिलेटेड नहीं है तो गलत है नहीं तो हर सूरत में

प्रदूषण का स्तर ही तो सुधारना चाहता चाहती थी गवर्नमेंट और छोटे शहरों में क्यों ट्रांसफर करेगी शहर के बाहर छोटे हों या बड़े हों शहर के बाहर ट्रांसफर किया जाएगा इनको तो ये थर्ड वाला जो है बच्चों गलत है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि उसमें सारे वीडियो टेस्ट पेपर पी ये सारी चीजें वहां आपको प्रोवाइड होंगी और नॉमिनल चार्ज में हमने कोर्स डिजाइन किया है मैथ रीजनिंग का अभी कॉम्बो कोर्स हमने बनाया है ओनली इलेवन हंड्रेड ऑफर प्राइज उसकी रखी है उसमें भी दिवाली की वजह से फिफ्टीन परसेंट ऑफर रखा है और मैथ और रीजनिंग ट्वेंटी एग्जाम्पल जो है आर एस पी में आते हैं इसके लिए बहुत मेहनत से बहुत जोरदार तरीके से मैथ और रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है ठीक है ओनली मैथ का भी कोर्स आपको अवेलेबल होगा वहां ओनली रीजनिंग का भी कोर्स आपको मिल जाएगा चलिए लिखा है सामायिक विषय करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए हाँ जी देख लो फिर से राय बनाने चाहिए अब जरूरी नहीं है कि ये एकमात्र रास्ता ऐसा है जिससे करंट अफेयर की तैयारी धांसू हो सकती है आपकी एक राय है कि अगर आपको करंट अफेयर अच्छी करनी करनी है तो रोजाना अखबार से नोट्स बनाने चाहिए एक राय है चाहिए है ना पहला पहला कह रहा है समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती जरूरी है क्या नहीं ये बात गलत है ठीक है तो ये बात गलत है कि एक वही रास्ता है कि भैया आप अखबार से ही नोट्स बना सकते हैं भैया और भी चीज़ हैं मैगजीन वगैरह हैं जितनी भी चलती हैं या फिर किसी की क्लास लेके भी आप तैयारी कर सकते हैं तो पहला जो है वो गलत है रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है यस कथन को देखकर ये पूर्व धारणा हंड्रेड सही है ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अगला एग्जाम्पल गया आपके सामने डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद रमेश जो कि मधुमेह रोगी है उसने अपने मित्र के विवाह के अवसर पर आइसक्रीम खा ली है लोह बात समझ में आ गई है डायबिटीज है रमेश को और अपने दोस्त की शादी में गया था रमेश और शादी में आइसक्रीम को देख रमेश का मन नहीं माना आइसक्रीम खा ली रमेश ने अब इससे पूर्व धारणा क्या है वो पता करते हैं आइए पहला <coughs> मित्र रमेश को अधिक पसंद नहीं करता है इसलिए रमेश पर नजर रख रहा था और रमेश की शिकायत लगा दी है कि रमेश आइसक्रीम खा रहा है रमेश को देख रहा है तो यार ये पूर्व धारणा तो गलत है डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है इसलिए डॉक्टर ने रमेश को मना कर दिया था कि रमेश आइसक्रीम मत खाना अरे डॉक्टर तो बता रहा है कि भैया मधुमेह रोगी वालों को जो है मीठे से बचना चाहिए और रमेश ने आइसक्रीम खा ली है तो ये बात गलत है आइसक्रीम रमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है यस ये पूर्व धारणा जो है वो 100 परसेंट सही है क्योंकि मधुमेह रोगियों को मीठे से बचना चाहिए आइसक्रीम में मीठा होता है इसलिए आइसक्रीम से बचना चाहिए ये बात सही है मधुमेह के रोगी डॉक्टरों को पसंद नहीं करते अरे डॉक्टर तो सलाई दे रहे हैं डॉक्टर दवाई दे रहे हैं डॉक्टर को पसंद नहीं करते तो ये बात गलत है सी ऑप्शन जो है इसका सही पूर्व धारणा है बढ़ते हैं बच्चों आगे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का कारण पिछली दिवाली पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था हाँ जी कंप्लीट बैन लगा दिया था कोई पटाखे नहीं चलाएगा और पटाखों से मुझे याद आ रहा है दीपावली का टाइम चल रहा है और दिवाली का दिन है तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को रीजनिंग ऋषि सर परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ये पर्व आपके लिए खुशियां उन्नति और आपके सिलेक्शन में योगदान दे और हमारी यही है कि भाई आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए जिससे आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें फिलहाल वापस से एक बार फिर से हैप्पी दिवाली सभी को चलिए तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का कारण पिछली दिवाली पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है कि भैया पटाखे नहीं चलेंगे आइए पूर्ण धारणा क्या है इससे कि दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है अरे फालतू की बात है गलत है लोग केवल बत्तियों से दीपावली मनाना चाहते हैं ना कि पटाखों से ये कुछ लोगों की राय हो सकती है बच्चों है ना हालांकि जो सरकार डिसीजन ले रही है उसका सम्मान सभी करते हैं पर फिलहाल ये बात तो 100 परसेंट सही नहीं है इसलिए पूर्व धारणा गलत है बच्चे पटाखे जलाने की बजाय मूवी देखना वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं वो बेटा बच्चे पे डिपेंड करता है कुछ बच्चे पटाखे भी पसंद करते हैं कुछ मूवी भी पसंद करते हैं कुछ गेम भी पसंद करते हैं तो यह बात भी गलत है पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो जाती है इसलिए गवर्नमेंट ने पटाखों पर बैल लगा दिया था पिछली दिवाली तो यह वाली बात क्या है बच्चों सही है फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है आगे बढ़ते हैं हाँ जी सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में दोनों सलामी बल्लेबाज को जल्दी खो देने पर मध्य क्रम बल्लेबाज पर रन बनाने का भारी दबाव आ गया था तो भैया क्रिकेट मैच की बात हो रही है क्रिकेट मैच में जो सलामी जोड़ी थी जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो जल्दी आउट हो गए तो जाहिर सी बात है मध्यम क्रम के जो बल्लेबाज हैं उन पर दबाव ज्यादा आ गया था ठीक है ऐसी बात लिखी है अब इससे पूर्व धारणा क्या है पहला दोनों सलामी बल्लेबाज में से कोई भी खेलने नहीं आया ये तो बात गलत है नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाज को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना पड़ेगा ये बात भी गलत है सलामी बल्लेबाज रन के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे इसलिए जल्दी आउट हो गए ये बात भी गलत है विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रही है विपक्षी टीम बिल्कुल

लाते हैं त्योहार और साथ के साथ खर्चा भी जो है वो होता ही है अब पहला पहली पूर्व धारणा क्या है त्योहारों के दौरान लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं बिल्कुल ये बात सही है और त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं ये पूर्व धारणा भी सही है फिलहाल इस कथन को देखते हुए दोनों ही पूर्व धारणा जो है वो सही है तो ऑप्शन जो आएगा बच्चों वो आएगा ए ऑप्शन बढ़ते हैं हम आगे अगला एग्जाम्पल ट्रेन सुबह आठ बजे है हमें सात बजे निकलना चाहिए पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा हाँ जी ट्रेन है आठ बजे की और हमें सात बजे निकलना चाहिए तो पिताजी जो हैं वो चाहते हैं कि ट्रेन जो है वो बिल्कुल भी ना छूटे हमसे और हम ट्रेन के पीछे भागे नहीं टाइम से हम पहुंच जाएं रेलवे स्टेशन पे जिससे बड़ी आसानी से हम ट्रेन पकड़ लें अब इससे पूर्व धारणा क्या है पहला फर्स्ट ट्रेन जल्दी हो सकती है गलत है भैया जल्दी तो नहीं आएगी और आएगी तो जाएगी टाइम पे है ना ये तो फाइनल है सेकंड परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औस्तन एक घंटे का समय लगता है हंड्रेड परसेंट नहीं है कथन में जानकारी नहीं है कि औस्तन एक घंटे का समय लगता है हो सकता है कम लग सकता हो फिलहाल कथन में कोई जानकारी नहीं है इसलिए पूर्व धारणा गलत है दोनों ही पूर्व धारणा गलत होने के कारण आंसर जो है इसका सी ऑप्शन आएगा ठीक है बच्चों आगे निम्नलिखित कथन पे आप क्या अनुमान लगाएंगे मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का प्रेक्षण किया है और यह देखा गया है कि सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं तो इससे क्या अनुमान लगाएंगे आप पहला फर्स्ट मैं एक वनस्पति शास्त्री हूं नहीं कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं गलत पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं कथन को देखकर कर ये अनुमान बिल्कुल सही है अधिकांश पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं यह गलत है सही अनुमान जो आएगा इस कथन को देखते हुए सी ऑप्शन जो है इसका सही अनुमान होगा वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगला एग्जाम्पल क्या है सुनो आपसे कह रहा है कि प्रिंसिपल ने सुबह दस बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे आपसे अनुरोध है कि पूर्वांत दस बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर लें भैया दस बजे जो है प्रिंसिपल जी आएंगे और अपना संबोधन शुरू करेंगे और दस बजे से पहले सभी अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर करके बैठेंगे तो इसे अब अनुमान क्या लगेगा यदि पूर्वानुमान क्या है यदि विद्यार्थी पूर्वाना पूर्वान्न दस बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण नहीं करते तो समारोह प्रारंभ नहीं होगा ये गलत बात है प्रारंभ तो होगा समारोह जिस टाइम का है उसी टाइम पे शुरू होगा फिलहाल ये है कि संबोधन होने से पहले प्रिंसिपल का आप अपनी जगह को ग्रहण कर लीजिए पद ग्रहण कर लीजिए जिससे संबोधन जो है वो दस बजे स्टार्ट हो जाए समारोह निर्धारित समय से प्रारंभ होगा यस ये बात हंड्रेड परसेंट सही है ऑप्शन की बात करता हूँ तो ओनली ए ऑप्शन यानी पूर्व धारणा सेकेंड निकाली जा सकती है तो ये बिल्कुल सही है ये बच्चों अपना स्टेटमेंट एजेंप्शन कथन एवं पूर्वधारणा आज कंप्लीट हो चुका है और वापस से एक बार फिर से हैप्पी दीपावली सबको और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा आज इजाज़त चाहता हूँ यहीं जय हिंद जय भारत राम राम साहब